21 बंदी इस बार मना रहे हैं छठ पर्व। बिहार के कटिहार में 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व की तैयारी शुरू हो गया है। वहीं आस्था के इस महापर्व को मनाने में कटिहार मंडल काड़ा के बंदी भी पीछे नहीं है। इस वर्ष कटिहार मंडल काड़ा में बंद 21 कैदी छठ पर्व मना रहे हैं। ये सभी कैदी किसी न किसी मामले में जेल में बंद है, लेकिन अपने की सुख समृद्धि और शांति के लिए लोक आस्था का महापर्व जेल में ही रखकर मना रहे हैं। इसको लेकर कटिहार मंडल काड़ा के 21 बंदी छठ पर्व अनुष्ठान कर रहे हैं। इसके लिए मंडल काड़ा 80 सूप के साथ साड़ी दिया गया। सहायक अपराधीक्षक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मंडल काड़ा में बंदी भी छठ पर्व मना रहे हैं, जिसमें 13 महिला और 8 पुरुष छठव्रती शामिल है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व करने वाले सभी बंदियों के बीच पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध कराया गया। खरना की सभी सामग्री दूध गुड़ के साथ केला सेव छठ करने वाले सभी बंदियों को दिया गया। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए मंडल काड़ा परिसर में छठ घाट का सौंदर्यकरण कर तैयार किया गया है। घाट को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जो मौजूद छठव्रती कैदी है उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जेल कटिहार मंडल काड़ा प्रशासन पूरी तरह इसके साथ खड़ा है। थोड़ा डाउन कर। हाँ ठीक। महापर्व की तैयारी जेल में चल रही है, मंडल काड़ा क्या क्या तैयारी कर रखा है और कितने लोग छठ में शामिल हो रहे हैं? मंडल काड़ा कटिहार में संसीमित कुल बंदियों में महिला छठव्रती जो बंदी है हमारे पास 13 है और पुरुष 8 है, जिनको पूर्ण रूप से विधिवत जो सामग्रियों का उपलब्ध करा दिया गया है, जैसे कि आपका छठ के लिए सूप का नारियल गागल जो भी विधिवत रूप से जो भी सामग्रियों की जरूरत है मंडल काड़ा कटिहार उपलब्ध करा दिया गया है, कटिहार में करा दिया गया है। और एक अंदर में पोखर है जिसका सौंदर्यकरण कराकर छठ व्रतियों के लिए सूर्य देवता को अर्घ देने हेतु सजाया गया है। क्या क्या पर्व के लिए अनुष्ठान के लिए क्या क्या उन्हें मुहैया कराया गया? अनुष्ठान के लिए चूँकि ये छठ जो व्रत है महापर्व है, आस्था का महापर्व है, और इस व्रत के लिए हम लोगों ने आज कद्दू भात के हेतु कद्दू का व्यवस्था कराया है और साथ में खरना के लिए दूध उपलब्ध कराए हैं, केला सेब जो भी सामग्री है वो सबका व्यवस्था करा दिया गया है। इन कैदियों में से कितने सूपों पर किया जा रहा है? टोटल हम 80 सूप मंगाए हैं और 80 सूप है, 80 साड़ी है पूरा, उसके साथ में साया ब्लाउज जो भी सामग्री जो लगता है उचित है वो सब कुछ दिया गया है। और हर्षोल्लास के साथ इस मंडल काड़ा में भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी बंदी खुश है, इस पर्व को लेकर बहुत सारा उत्साह देखा जा रहा है इन बंदियों में। क्या क्या मन्नतें मांगी हैं लोगों? मन्नतें सब लोग माना है कि अब जेल में है, यहाँ पे बंद है बंदी, तो मन्नतें माना है उन सबका है कि हाँ जल्द से जल्द कारा से मुक्त हों और अपना घर परिवार में जाके अगला छठ व्रत मनाएं, अच्छा जीवन जिए। परिचय सर? मैं प्रभारी सहायक अधीक्षक, अभी प्रभारी उपाधीक्षक हूँ मंडल काड़ा में, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा हुआ।